हेलो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर फोल्ट आइसोलेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको सॉफ्टवेयर फोल्ट आइसोलेशन की डेफिनेशन उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी कुछ अप्रोचेस बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर फोल्ट आइसोलेशन की जो टेक्निक है वो कौन कौन सी अप्रोचेस फॉलो करती है हमारे सॉफ्टवेयर को जो है सिक्योर रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स पढ़ चुके हैं लेकिन सॉफ्टवेयर फोल्ट आइसोलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि सॉफ्टवेयर की प्रिजर्वेंस के लिए यूज होती है कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम जो है सेफ रख सकते हैं सिक्योर रख सकते हैं सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि बेसिकली सॉफ्टवेयर फोर्ट आइसोलेशन होता क्या है तो सॉफ्टवेयर फोर्ट आइसोलेशन इज द लेटेस्ट रिसर्च एरिया नाउ अ डेज मोस्ट सॉफ्टवेयर हैज़ मल्टीपल थ्रेड्स दैट शेयर द सेम एड्रेस स्पेस सॉफ्टवेयर फॉर्ट आइसोलेशन जो है बेसिकली आज के टाइम पे लेटेस्ट रिसर्च एरिया भी है बिकॉज हम सभी जो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो है अटैक्स के होने की वायरसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं तो इसीलिए जो है ये रिसर्च एरिया भी है कि कैसे हम उन सॉफ्टवेयर को आइसोलेट कर सकते हैं कि वो जो है हमारे सिस्टम को जो है वायरस फ्री रखें या फिर सेफ रखें सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज होती है थ्रेड्स अब थ्रेड बेसिकली एक वायर की तरह होते हैं जो कि एक एंड से आपके डेटा कलेक्ट करेंगे और दूसरे एंड पे ड्रॉप करेंगे तो जहां पे भी हमें एड्रेस शेयर करना होता है जहां पे भी हमें डेटा स्टोर करना होता है तो डेटा स्टोर कहाँ से होता है तो एज ए इनपुट वो की से टेक करेगा एंड देन उसको स्टोर करेगा मेमोरी में तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे थ्रेड यूज होते हैं जो की क्या करेंगे आपके इनपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ की और जो भी डेटा उस थ्रेड के

हेल्प ऑफ सेम एड्रेस स्पेस अब एक ही एड्रेस स्पेस का यूज करेगा थ्रेड बिकॉज एड्रेस स्पेस क्या होता है जो कि आपके डेटा को स्टोर करे अब डेटा स्टोर होगा कैसे डेटा स्टोर होगा जब डेटा आपके पास होगा और डेटा आएगा कहाँ से एज ए इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड बोर्ड अब वो कीबोर्ड से मेमोरी तक जो डेटा ट्रांसफर होगा वो होता है हमारा थ्रेड की हेल्प से अब जो थ्रेड्स होते हैं वो सेम एड्रेस स्पेस यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर फोल्ट आइसोलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि सॉफ्टवेयर को थ्रेड्स को आइसोलेट करती है ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट टू द मेमोरी उस डेटा को जो है हम सेफ रख सके अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी जरूरी है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल थ्रेड नहीं होता एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल थ्रेड होते हैं बिकॉज हर एक लोकेशन पे मल्टीपल वेरिएबल होते हैं सपोज अगर मैं एक नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर है सपोज जो कि फॉर्म्स को सर्कुलेट करता है और उस डेटा को मेमोरी तक ले जाने के लिए मल्टीपल थ्रेड यूज होते हैं बहुत ही एक अच्छी लाइन और एक अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि एक थ्रेड अगर कुछ डेंजरस कर रहा है कुछ ऐसा कर रहा है जो कि हेजेडियस हो सकता है हार्मफुल हो सकता है हमारे सिस्टम के लिए हमारे सॉफ्टवेयर

अब SFI के अंदर जो है दो तरीके की अप्रोच हम यूज करते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं वो क्या करते हैं सेम एड्रेस का यूज करते हैं जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि मल्टीपल थ्रेड्स थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस तो आप जो सेम एड्रेस पेस यूज कर रहे हैं तो हमें जो है उस एड्रेस स्पेस को जो है सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है अगर हम एड्रेस स्पेस को जो है शेयर करते हैं और उसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं आप एड्रेस स्पेस को यहाँ पे एक तरीके से मेमोरी समझ सकते हैं तो अब सपोज मेरे पास ये एक मेमोरी है तो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए देख सकते हैं समझ लीजिए कि ये एक मेमोरी का पार्ट है जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया मैंने मेरे जो है मेमोरी को जो है मेरे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक पार्ट वन एक पार्ट टू अभी मेमोरी इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दी कि मैं अगर मेरे सॉफ्टवेयर में दो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ दो बटन यूज कर रहा हूँ या कोई भी दो वर्क कर रहा हूं तो उसके लिए जो है अगर मैं एक एप्लीकेशन रन कर रहा हूं सपोज तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करेगी वो पार्ट वन सेगमेंट को यूज करेगी और एप्लीकेशन टू जो है मेरी पार्ट टू सेगमेंट को यूज करेगी तो मैंने जो है मेरा एड्रेस स्पेस जो है उसको डिवाइड कर दिया इंटू सेगमेंट अब जो एड्रेस स्पेस हमने डिवाइड किया वो दो फॉर्म्स को होता है कोर्ट सेगमेंट और डेटा सेगमेंट कोड सेगमेंट जो है आपका कोडिंग पार्ट स्टोर करता है कि किस तरीके से जो है आपके वेरिएबल डेटा को होल्ड कर रहे हैं और किस तरीके से जो उनके ऊपर फंक्शनलिटीज वर्क कर रही जो segment, कर है जो पार्ट होता है है डेटा डेटा सेगमेंट वो बेसिकली आपके को होल्ड करके रखता कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है और इन फ्यूचर अगर उस डेटा का इस वेरिएबल की यूज होती है तो इस एड्रेस स्पेस से जो है वो डेटा कलेक्ट होकर डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लोकेशन पर तो ये जो है पहली एस अप्रोच है जिसके अंदर अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर एक थ्रेड अगर कोई

कि जो हमारे 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारे पुराने कंप्यूटर्स आते थे वो जो है इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते बट जो हमारे 64 बिट के सिस्टम है जैसे कि हमारे लैपटॉप्स जो कि आज के आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन टेंथ जनरेशन के उन सभी में जो है ये अप्रोच जो है पॉसिबल है अब सेकेंड इसके अंदर हमारी एस अप्रोच आती है लोकेट अनसेफ सेफ इंस्ट्रक्शन मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही सिंपल है बहुत ही इतना ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं बोलेंगे सॉफ्टवेयर फोल्ट आइसोलेशन को भी और सॉफ्टवेयर आइसोलेशन के अप्रोचेस को भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक थ्रेड जो है मल्टीपल एड्रेस को यूज नहीं करता मल्टीपल थ्रेड जो है सिंगल एड्रेस स्पेस को यूज करते हैं तो सिंगल एड्रेस स्पेस को आपको क्या करना है सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है ताकि अगर एक पार्ट जो है इफेक्ट हो रहा है दूसरा पार्ट इफेक्ट ना हो दूसरी अप्रोच ये कहती है जो हम प्रोग्रामिंग में कुछ अनसेफ अनसेन्स यूज करते हैं अनसेफ का मतलब है जो अनसे सिक्वेंशली नहीं चलती लाइन बाय लाइन नहीं चलती इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आती है हमारी जंप की जिसे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं लोड की लोड बेसिकली आपको क्या करता है डेटा को डिक्लेयर करता है इनिशियलाइज करता है और स्टोर की जो कि आपको डेटा को वेरिएबल में स्टोर करता है तो ये तीनों

के अंदर एक पर्टिकुलर एड्रेस स्पेस में जो है स्टोर कर देगी अब ये तीनों जो है बेसिकली एक रेफरेंस का यूज करती है रेफरेंस का मीनिंग है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जंप स्टेटमेंट ए पार्ट से लेके बी पार्ट की तरफ मूव करेगी और मैंने एग्जांपल दिया लूपिंग का जैसे ही आपका एक ब्लॉक कोड खत्म होता है उसके बाद वो वापस कहां जाता है फॉर लूप की स्टार्टिंग में आ जाता है व्हाइल लूप की स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर रेफरेंस यूज़ कर रहा है कि इस ब्लॉक कोड के बाद जो है मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पे मूव करना है इसी तरीके से लोड स्टेटमेंट और स्टोर स्टेटमेंट जो है आपके वेरिएबल के एड्रेस पेज का रेफरेंस लेती है जहां पे उसे डेटा को स्टोर करना है तो ये जो है कुछ अनसेफ इंस्ट्रक्शन होती है अगर हम इनको लोकेट कर लेते हैं बेसिकली इनका एड्रेस लोकेट कर सकते हैं तो इससे जो है क्या होगा जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है हमें पता रहेगा कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है और हम उस लोकेशन को और उस एड्रेस स्पेस को जो है हमारी प्रीवियस एस एफ आई अप्रोच की हेल्प से जो है उसे सेफ कर सकते हैं सिक्योर कर सकते हैं तो ये थी हमारे सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन की वीडियो जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फॉल्ट्स होते हैं वायरस होते हैं उसको जो हम आइसोलेट कर सकते हैं और हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर को जो हम सेफ रख सकते हैं थैंक यू